जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लाल किला, इवन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और वो पटेल चौक, सारे मेट्रो स्टेशन बंद हैं, रूट भी उन्होंने डाइवर्ट किए हुए हैं सारे। हम लोग जामा मस्जिद से अंदर अंदर हो गए, सारे रूट जो है बंद कर रखे हैं, किधर से भी पुलिस निकलने नहीं दे रही है हम लोगों को। सो वेल आई रीच मंडी हाउस दिस मॉर्निंग एंड आई वॉज देयर फॉर लेस देन 2 मिनट्स एंड वी वर शॉव्ड इनटू बसेस फॉर जस्ट बीइंग देयर। जामा मस्जिद के आसपास बैरियर लगा रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं कि घुसने ही नहीं दे रहे। और पहली बात, जब हम बोल भी रहे कि हमें अंदर जान दो, आधार कार्ड मांग रहे हैं। I was coming from South Delhi, that's Vasant Kunj. So first I took an auto to get to Vasant Vihar. I see the shutters are down and that was weird because that has never happened to me ever. I've been here for 5 years in Delhi, never happened, so weird. So I took an auto to Hoskas, I had to meet a friend. We took a metro from Hoskas and then we had to come to Mandi House, but then we had to change multiple metros because they kept shutting things and it was not being updated. We didn't know what was happening. So we would get down at a metro station, then we had to kind of figure out, okay, this is shut too. We finally got off at Janpath. We took an auto from there, got to Mandi House. As soon as I got off the auto, my friend who was going to document with me, he got detained. I reached Barakhamba Road at around noon. At that point, the police had already begun detaining people and putting them into buses and pushing the crowds down towards Tolstoy Mall. Then the crowds tried to head towards Parliament Street, at which point the police again made people go back on Tolstoy Mall and just kept walking behind everyone with riot gear until we reached the Jantar Mantar area. My solidarity for my country, the country I believe in, equality, no discrimination, democracy. And I believe there were 14 buses sent out to different parts of the city. Aur hame 1.5 hours away, we were dropped to some place just so that they could break our spirit and not have people muster up the courage to gather again. But well, we made it back. अगर हम कन्वेंस चाह रहे हैं तो कन्वेंस वाले इतने डरे हुए हैं कि हम लोगों को बिठाने से मना कर दिया। हम दिल्ली से जो है जामा मस्जिद जो है वहाँ से नमाज पढ़ने के बाद हम यहाँ तक पैदल पैदल आए हैं। जामा मस्जिद के जितने भी स्टेशन हैं आसपास के, जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, ये सारे क्लोज हैं, ये सब बंद कर रखे हैं। हमें खुद को नहीं पता हम कैसे आए, पैदल पैदल चल के आना पड़ा है हमने इतनी दूर। जामा मस्जिद के आसपास बैरियर लगा रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं कि घुसने ही नहीं दे रहे। और पहली बात, जब हम बोल भी रहे हैं कि हमें अंदर जान दो, आधार कार्ड मांग रहे हैं। आधार कार्ड मांगने के बाद बोलते हैं कि सर आप एक काम करो, बस में बैठो और यहाँ से जाओ। दूर छोड़ रहे हैं, दिल्ली से आउट ऑफ दिल्ली कहीं भी छोड़ रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता कहाँ छोड़ रहे हैं। हमारे कुछ साथियों को लेकर गए हैं, हमें ये नहीं पता हम कहाँ छोड़, मतलब कहाँ छोड़ देते हैं, भवाना साइड में कहीं दूर जाके छोड़ देते हैं। सो सम ऑफ द वुमेन कॉप केम टू अस एंड दे सेड लाइक यू कांट स्टे देयर, वी वर लाइक ओनली 2 ऑफ अस वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग। दे वर लाइक इट्स 144, वी वर लाइक इफ इट्स 144 देयर आर 4 पीपल हु आर नॉट सपोज्ड टू बी असेंबल, वी आर ओनली 2, वी वर स्टैंडिंग देयर। दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग अस, देखो वो यार हम लोग पुलिस को बोला, हम लोग अभी गाड़ी को बुला रहे हैं, उठा के ले जाएंगे, निकल जाइए टाइप्स।